हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी बुक में क्या क्या पॉइंट्स हैं। हम एनसीईआरटी का एवरी लाइन पढ़ेंगे, समझे में उसमें क्या दिया गया है। यू सी व्हेन एवर यू आर रीडिंग एनसीईआरटी बुक, तुमको हर वक्त जब नया लगेगा, इससे पहले तुमने चाहे जितना बार भी एनसीईआरटी पढ़ा है, व्हेन एवर यू विल स्टार्ट एंड यू विल रीड ए टॉपिक, तुमको लगेगा कि नहीं मैं ये फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, इसमें अगेन कुछ नया आ गया, तो एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है। ओके, एवरी टाइम व्हेन यू रीड तुमको लगेगा ये फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक, सो आ जाओ यहाँ पे। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफागस टू रेक्टम, ठीक, फ्रॉम इसोफागस टू रेक्टम पोजिशन फोर लेयर्स, ये पूछ रहा है तुम्हारा। एनसीईआरटी में लिखा है तुम्हारा क्या, इसोफागस टू रेक्टम फोर लेयर्स है। क्या क्या लेयर्स है? पहले आएगा सिरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सबमिकोजा, देन आपका आएगा मिकोजा। ओके, सो सूरज वेलकम टू द क्लास। थ्री आर द फोर लेयर्स, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबमिकोजा एंड मिकोजा। ओके, तो थोड़ा देखो मैं डायग्राम को थोड़ा मैं तुम्हारा जूम कर दे रहा हूं, ये डायग्राम को। ओके, ये डायग्राम के एनसीईआरटी का ही तुम्हारा डायग्राम है, मतलब हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हमने क्या किया है, वी हैव टेकन ए क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, जैसे कि सपोज ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, सपोज ये हमारा हो गया एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया ना, इसका अगर हमें क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये तुमको लगेगा सर्कुलर, इट अपीयर्स टू बी सर्कुलर। तो ये तुम्हारा है क्रॉस सेक्शन ऑफ द और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो देख लो यहाँ पे तुम्हारा सबसे आउटर मोस्ट तुम्हारा आ जाएगा। ओके, सबसे आउटर मोस्ट लेयर तुम्हारा आ गया सिरोसा लेयर, इट इज आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा लेयर। ओके, देन उसके बाद आता है मस्कुलरिस, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें होता है इनर सर्कुलर, मतलब इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। देन आपका आता है सब मिकोजा लेयर, देन आता है मिकोजा लेयर, एंड दिस इज द लुमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज द लुमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जहां पे आपको फूड पास करता है। ठीक, तो हम डिस्कस करेंगे एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, तो लेट्स सी। ओके, तो पहले है तुम्हारा सिरोसा के बारे में, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सिरोसा। ओके, सिरोसा, सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम, एपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन्स विथ सम कनेक्टिव टिश्यू, विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, मैं एक तो स्लाइड ले लेता हूं समझाने के लिए, सो मैं एक स्लाइड ले लेता हूं समझाने के लिए। चलो एक तो स्लाइड ले लेते हैं समझाने के लिए। कलर ले लेते हैं आपका रेड ले लेते हैं। चलो अगर हम देखेंगे, सेप ले लेते हैं। ओके, सपोज मैं एक सेप आपका ले ले रहा हूं, राउंड सेप में ले रहा हूं। ठीक, तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपका आ जाएगा, आउटर मोस्ट लेयर ये आ जाएगा आपका सिरोसा लेयर। ओके, तो सिरोसा में तुम्हारा जो होता है, अगर हम सिरोसा का बात करेंगे, इफ यू डिस्कस अबाउट द सिरोसा लेयर, सो ये सिरोसा लेयर है। तो सिरोसा लेयर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मेरे को बताओ सिरोसा लेयर में क्या टिश्यू होता है, व्हाट इज द टिश्यू कंपोजिशन ऑफ सिरोसा लेयर। तो सिरोसा लेयर का हम बात करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ वन मेसोथेलियम। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ मेसोथेलियम, यस, इसको हम बोलते हैं मेसोथेलियम, इट इज कॉल्ड मेसोथेलियम, मेसोथेलियम, और ऑल्सो कॉल्ड पेरिटोनियम। इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, मेसोथेलियम। ओके, तो चारों तरफ आपका होगा लाइक दैट, एंटायर तुम्हारा ये जो कवरिंग, मतलब चारों तरफ तुम्हारा यही वाला ही तुम्हारा होगा। ओके, मेसोथेलियम, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, एंड जस्ट बिलो द सिरोसा, सिरोसा के नीचे, तो जस्ट बिलो द सिरोसा यू विल फाइंड
लूज कनेक्टिव टिश्यू यू विल फाइंड लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट इज बेसिकली योर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ओके तो ये आपका हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू इज योर लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू तो टुगेदर बोथ इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्या ना सीरोसा तो टुगेदर बोथ दे आर कॉल्ड सीरोसा समझ में मेसोथेलियम प्लस लूज कनेक्टिव टिश्यू मेसोथेलियम मीन्स इट इज योर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सो इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सीरोसा तो यहां पे आपका लेकिन जो मेन पॉइंट अभी आएगा यहां पे जो तुम्हारा मेन पॉइंट है यहां पे तुम्हारा पूछ रहा है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल फ्रॉम इसोफागस टू रेक्टम लेकिन एक्सेप्शन यहां पे क्या है इसोफागस डज नॉट हैव सीरोसा लेयर अगर हम इसोफागस का बात करेंगे इसोफागस ठीक इसोफागस में क्या होता है सीरोसा एब्सेंट हियर सीरोसा एब्सेंट यहां पे सीरोसा आपका एब्सेंट रहता है ओके तो इंस्टीट ऑफ सीरोसा इसका जो आउटरमोस्ट लेयर होगा उसको हम बोलेंगे ट्यूनिका एडवेंटिशिया ठीक उसका हम जो बोलेंगे ट्यूनिका एडवेंटिशिया इसोफागस का जो आउटरमोस्ट लेयर होगा उसको हम बोलेंगे ट्यूनिका एडवेंटिशिया ठीक इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया तो इन केस ऑफ इसोफागस सीरोसा लेयर इज एब्सेंट इट कंटेन्स ट्यूनिका एडवेंटिशिया बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू सो इट इज ऑल अबाउट तुम्हारा सीरोसा के बारे में ठीक सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ओके मेड अप ऑफ मेसोथेलियम एपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन मतलब फॉर एग्जांपल व्हाट अबाउट द विसरल ऑर्गन यो तुम्हारा जितने विसरल सॉफ्ट ऑर्गन्स है तो दे आर मेड ऑफ द एपिथेलियम दैट इज द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया तो ये हो गया सीरोसा का एंड सीरोसा जो तुम्हारा है इट इज एब्सेंट इन योर इसोफागस इंस्टीड ऑफ दैट वी हैव द ट्यूनिका एडवेंटिशिया यशस्मिता गुड मॉर्निंग नमस्ते चलो नेक्स्ट तो ये आपका मैं बात कर रहा था नेक्स्ट देन वी हैव द मस्कुलरिस लेयर उसके बाद हमारा क्या है वी हैव द मस्कुलरिस लेयर है तुम्हारा इट इज मेड अप ऑफ मसल्स अगर मसल्स का हम बात यहां पे करें तो यहां पे कौन सा मसल से बताओ विच काइंड ऑफ मसल इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल It contains your unstripped or smooth muscle. Here we don't have the skeletal muscle नहीं है यहाँ पे हमारा पास smooth muscle है यहाँ पे muscularis. अगर muscularis हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा zoom कर दे रहा हूँ NCT का diagram muscularis में it has the two layers. It has the two layers. Outer layer ये जो तुम्हारा outer layer है ये वाला layer. This layer. सॉरी ये वाला आउटर लेयर है आउटर जो लेयर है ये तुम्हारा है क्या है लॉन्गिशनल मसल्स यस इट इज द लॉन्गिशनल मसल्स इनर में जो तुम्हारा है ये वाला इनर में तुम्हारा है दिस इनर पार्ट दिस इनर वन इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल्स दैट मींस यू हैव द टू लेयर्स ऑफ मसल आउटर लॉन्गिशनल एंड इनर सर्कुलर इनर सर्कुलर ये याद रखना इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को आउटर है तुम्हारे लॉन्गिशनल मसल्स ठीक इनर तुम्हारा है सर्कुलर मसल्स का लेयर है सो मस्कुलरिस इज फॉर्म बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इनटू अ आउटर सर्कुलर इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर अन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का ये जो पॉइंट है आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का ठीक वो क्या बोल रहा है अन ऑब्लिक वो बोल रहा है आपका अन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स
तो कौन सा रीजन तुम्हारा है? द रीजन इज योर स्टोमक। अगर हम स्टोमक का, यस, अगर हम स्टोमक का बात करेंगे तो स्टोमक में आपका ऑरिक लेयर आता है। स्टोमक में तुम्हारा क्या होगा? स्टोमक में थ्री लेयर्स है, ठीक। तुम्हारा आउटर जो होगा लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल में तुम्हारा होगा सर्कुलर, एंड सबसे अंदर नीचे यू विल फाइंड अ ऑब्लिक लेयर ऑफ मसल्स, ठीक। लेकिन ये मसल्स का जो अरेंजमेंट है थोड़ा डिफरेंट है, इसोफागस में थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम इसोफागस का अगर हम बात करेंगे, मेरे को बताओ व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मसल लेयर इन इसोफागस? एनीवन रिप्लाई? ये बहुत सारे एग्जाम में भी आता है। देखो इसोफागस में थोड़ा सिरोसा में भी थोड़ा ये है, मतलब वहां पे सिरोसा एब्सेंट, वी हैव द ट्यूनिक एडवेंटिशिया, ओके। इसोफागस में जो मसल लेयर है वो भी थोड़ा इसमें ये है। I'm asking about muscularis, ठीक, as compared to the other parts of the elementary canal, ठीक, what is the difference of muscle layer in esophagus? जैसे कि stomach में तुम्हारा तीन layer है, in the stomach we have the three layers of muscles, outer longitudinal, inner circular, middle circular, inner most oblique, तो esophagus में क्या difference है बताओ? Anyone reply? इसोफागस में क्या डिफरेंस है? इसोफागस में नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट द मसल। देखो मैं तुम समझा रहा हूं, एक स्लाइड ले लिया जाए, ठीक। हमने पढ़ा था इसोफागस के बारे में, हमने पढ़ा था, ठीक। इसोफागस इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसोफागस, ये थोड़ा याद रख लेना। इसोफागस इसका थ्री पार्ट ले लो, ये उसका अपर पार्ट, इसोफागस का अपर पार्ट, ये उसका मिडिल पार्ट, उसका लोअर पार्ट, ठीक। मतलब ये ले लो इसका अपर वन थर्ड, मिडिल वन थर्ड एंड लोअर वन थर्ड। तो इसोफागस का जो डिफरेंट लेयर में, लेयर तो नहीं डिफरेंट पार्ट्स में मसल से डिफरेंस करें, मेरे को बताओ व्हाट टाइप ऑफ मसल्स यू विल फाइंड इन अपर वन थर्ड? इसोफागस का अपर वन थर्ड में कौन सा मसल होगा? यह हो गया इसोफागस, मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दो, what type of muscle is present in the upper one third of the esophagus? It basically made up of what? Skeletal muscle, याद रखना, ठीक। esophagus का upper one third में होता है skeletal muscle होता है, middle part में you will find, in the middle part you will find both skeletal and smooth muscle, ठीक, and in lower one third you will find only smooth muscle। तो एक information तुमको दिया, ये तुमको help करेगा neat exam में, ठीक। तो थोड़ा इसको देख लेना, इसोफागस का जो अपर मोस्ट पार्ट, अपर वन थर्ड पार्ट, जितना लेंथ है अपर वन थर्ड में होता है स्केलेटल मसल, यू विल फाइंड स्केलेटल मसल, ओके, यू विल फाइंड स्केलेटल मसल। मिडिल पार्ट में यू विल फाइंड बोथ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल, इन द लोअर वन थर्ड यू विल फाइंड व्हाट? स्मूथ मसल यू विल फाइंड। तो ये थोड़ा तुम्हारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारा है, तो देख लेना। यस आशीष राठौड़, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास, समझ में आया? तो इसोफागस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही, तो इसमें क्या क्या हमने याद किया? दैट आपका जो स्टोमक में तीन लेयर तुम्हारा है, ठीक, आउटर तुम्हारा है ऑब्लिक, सॉरी आउटर तुम्हारा है लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल सर्कुलर, इनर में तुम्हारा होगा ऑब्लिक लेयर होगा, ठीक, ओके। यहां पे तुम्हारा एक होता है, थोड़ा मैं तुमको समझा दे रहा हूं, इसको थोड़ा मैं जूम भी, यहाँ पे एक बात मैं बताऊंगा तुमको, यहाँ पे
बता रहा हूँ तुम्हारा, ये सिरोसा हो गया, सिरोसा ये आपका हो गया लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर, लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर ठीक। उसके बाद ये आपका हो गया सर्कुलर मसल लेयर ठीक। यहां पे आपका हो गया सर्कुलर मसल लेयर, ये आपका हो गया सर्कुलर मसल। ओके समझ में। तो बिटवीन दीज टू मसल लेयर्स मतलब आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर, बिटवीन दीज टू मसल लेयर्स यहां पे तुम्हारे क्या है, वी हैव द नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स। यहां पे हमारे पास क्या है, नर्व फाइबर्स का नेटवर्क है यहां पे, वी हैव द नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स, वी हैव द नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स। वी हैव द नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स यहां पे ठीक। यहां पे इसको हम बोलते हैं क्या आपका, इट इज कॉल्ड ऑर्बिक प्लेक्सस, ये थोड़ा याद रख लेना, इट इज कॉल्ड अर्बेक्स प्लेक्सस, मींस इन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मसल लेयर्स, बिटवीन द टू मसल लेयर्स वी हैव ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स, उसको हम बोलते हैं अर्बेक्स प्लेक्सस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड योर मायएंटेरिक प्लेक्सस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मायएंटेरिक प्लेक्सस। ओके ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इट हेल्प्स इन पेरिस्टाल्सिस, इसको थोड़ा देख लेना ठीक। ऑर्बिक प्लेक्सस और मायंटेरिक प्लेक्सस मतलब ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स बिटवीन द टू मसल लेयर्स आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर ऑर्बिक प्लेक्सस रेगुलेट्स योर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसको थोड़ा देख लेना ध्यान। तो यही था आपका। तो नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास सबम्यूकोजल लेयर, उसके बाद आता है हमारे पास सबम्यूकोजल लेयर। यस नित्यानंद वेलकम टू द क्लास। सो सबम्यूकोजा, ओके द सबम्यूकोजल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स ठीक। तो सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा ओके, इसमें तुम्हारा क्या है, हियर वी हैव द लूज कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली यहां पे क्या होता है, वी हैव द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें क्या होता है नर्व फाइबर्स होते हैं ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, मतलब ये वाला लेयर, अगर हम थोड़ा इसको जूम कर दूंगा तो ये वाला जो लेयर ठीक, दिस इज द लेयर, इसको हम बोलते हैं सब म्यूकोजा लेयर, हम बोलते हैं सब म्यूकोजा लेयर, सब म्यूकोजा लेयर ओके। सो इस लेयर में तुम्हारा क्या होता है, ये इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग योर नर्व्स ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स ओके। एक इंपोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी बुक में, यह आ सकता है एग्जाम में, इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोजा, अगर हम ड्यूडेनम का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इस एरिया में आपका ग्लैंड्स भी आएंगे इन केस ऑफ ड्यूडेनम ओके। व्हाट दैट ग्लैंड इज कॉल्ड, मतलब इस लेयर में ग्लैंड्स आएंगे, यस दैट इज कॉल्ड ब्रूनर्स ग्लैंड, तो थोड़ा याद रख लेना, ये यहां पे बोल रहा है ये ग्लैंड्स जो बोल रहा है, ये ग्लैंड का मतलब होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। हियर वी हैव ब्रूनर्स ग्लैंड्स, दिस सीक्रेट म्यूकस म्यूकस ओके। तो इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजा लेयर, दैट इज पर्टिकुलर इन केस ऑफ ड्यूडेनम में आपका ये, एंड दैट ग्लैंड इज द ब्रूनर्स ग्लैंड, समझ में आए ओके। नाउ ये जो यहां पे देखो, ये मस्कुलरिस लेयर हुआ मतलब सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल एंड सब म्यूकोजा, तो बिटवीन दीज टू लेयर्स, बिटवीन दीज टू लेयर्स थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, मीन्स बिटवीन मस्कुलरिस एंड सब म्यूकोजा यहां पे, तो
तो हियर ऑल्सो वी हैव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स. ठीक, यहाँ पे आपका है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर. यहाँ पे है मतलब बिटवीन सब म्यूकोजा एंड मस्कुलरिस कोट वी हैव द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स. उसको हम क्या बोलते हैं? एनीवन रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स. उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड व्हाट? यस, दैट इज कॉल्ड मेसनर्स प्लेक्सस. उसको हम बोलेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मेसनर्स प्लेक्सस. दैट इज कॉल्ड मेसनर्स प्लेक्सस. मतलब इट इज ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, मेसनर्स प्लेक्सस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबम्यूकोसल प्लेक्सस भी इसको बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिमार्क्स प्लेक्सस. इसके बहुत सारे नाम है, सबम्यूकोसल प्लेक्सस, रिमार्क्स प्लेक्सस, मेसनर प्लेक्सस. ओके, इसका फंक्शन क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स द इंटेस्टिनल ग्लैंड टू रिलीज द सीक्रेशन. ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट्स सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड. इट स्टिमुलेट्स सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल ग्लैंड्स. समझ में आया? तो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये हो गया मेसनर प्लेक्सस आपका. तो यही है सबम्यूकोसा में. और क्या है मतलब? एक पॉइंट आपका नीट एग्जाम में आ सकता है, मतलब ड्यूडेनम. हाँ, रजत ने पूछा है सर, ऑर्बिक समझा रहा हूं. देखो, अगर हम ऑर्बिक प्लेक्सस की हम बात करेंगे, सो ऑर्बिक प्लेक्सस ये कहां पे है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मसल लेयर्स. मतलब ये आपका हो गया आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये आपका हो गया इनर सर्कुलर मसल. इनर सर्कुलर मसल, इन दो मसल लेयर के बीच में तुम्हारा होता है, वी हैव द नर्व प्लेक्सस. यहां पे नर्व प्लेक्सस है. इट इज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एंड पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स. इसको हम बोलते हैं ऑर्बिक प्लेक्सस और माइंट्रिक प्लेक्सस. इट रेगुलेट्स पेरिस्टाल्सिस. लेकिन ये जो वाला तुम्हारा है मेसनर जो आपका है, विच इज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन एंड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स, इट रेगुलेट्स सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस, मेसनर्स प्लेक्सस. ये आ सकता है. तो ये हो गया. और यही वाला मेन पॉइंट है तुम्हारा, दैट ड्यूडेनम में तुम्हारा क्या होता है? वी हैव द ब्रूनर्स ग्लैंड. नेक्स्ट, देन द मोस्ट वाइटल लेयर, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा आ जाओ तुम्हारा म्यूकोसा लेयर. इससे आपका नीट में क्वेश्चन आ सकता है. द मोस्ट वाइटल लेयर इज द म्यूकोसा लेयर. यस, अंकुर कुमार वेलकम टू द क्लास. ठीक, the innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa layer. lumen matlab ye wala, ye apka lumen hai. isko hum bolte hain lumen of the alimentary canal. it is the lumen of the alimentary canal. isko jo layer line karke hai, ye wala jo layer, the layer lining the lumen of the alimentary canal, usko hum bolte hain mucosa layer. theek, okay, ye innermost layer hai. ये जो लेयर होता है इसका बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. जैसे कि दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स रुगे इन द स्टोमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, ये जो लेयर है आपका इनर मोस्ट लेयर, म्यूकोसा लेयर. ओके, ये क्या करता है? इट फॉर्म्स रुगे. मैं तुमको बता दे रहा हूं. सो एक स्लाइड ले लिया जाए समझाने के लिए. देखो, अगर हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा, ठीक, तो सपोज ओके, अगर हम स्टोमक का हम बात ले लेंगे, ये आपका हो गया स्टोमक. स्टोमक स्टोमक का जो इनर मोस्ट लेयर होगा, इसका सरफेस इनर मोस्ट लेयर, तो वहां पे क्या होगा? इट फॉर्म्स इरेगुलर फोल्डिंग्स. म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर होगा. ओके, द म्यूकोसा विल फॉर्म्स इरेगुलर फोल्डिंग्स
सपोज ये उसका सरफेस है, इमेजिन करो ये स्टोमक का सरफेस है, इट इज द सरफेस, इनर मोस्ट सरफेस ऑफ द स्टोमक, ठीक। तो म्यूकोजा फॉर्म इरेगुलर फोल्डिंग्स, इसको हम बोलेंगे रुगिन, इट्स फोल्डिंग्स आर कॉल्ड रुगिन। इनका फंक्शन क्या होता है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्शन एंड फूड डाइजेशन, ठीक। तो लाइक दैट दे ऑल्सो फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ओके। सपोज मैं बताऊं, सपोज इट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ आवर इंटेस्टाइन, इट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब एक इंटेस्टाइन ऐसा, सपोज इंटेस्टाइन है, एक इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन हम ले लेंगे, इट अपीयर सर्कुलर। सो द इनर मोस्ट लेयर जो होगा, म्यूकोजल लेयर, इनर मोस्ट लेयर, ओके, यस, दैट विल फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट विल फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उनको हम बोलेंगे विली, बोलेंगे विली, ठीक। सो दीज आर कॉल्ड विली, फिंगर लाइक पोजिशन कॉल्ड विली। And again the villi will be a, पढ़ेंगे हम, again the villi will be a microvilli to further increase the surface area. Yes, villi होता है plural form, villus होता है singular form. So this is the modification of the innermost layer that is called mucosa. So they form rugae in the stomach and the villi in the intestine, small intestine particular. Okay, तो यही बात है. So they form finger like project foldings called villi in the small intestine. Okay. वही बात जो तुम्हारा मैं बोल रहा था. The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called microvilli, giving a brush border appearance. Okay. These modifications increase the surface area enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and large lymph vessels called lactea. Important. देखो मैं थोड़ा सम इसको भी आऊंगा मैं यहां पे थोड़ा समझा देता हूं आपको, ठीक। तो सपोज ये आपका वन विली हो गया, सपोज इट इज वन विली, ये आपका विली हो गया, विली इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक। ये आपका विली हो गया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये म्यूकोजल लेयर का पूरा फोल्डिंग है विली। अगर आप इच विली, इच विलस को हम देखेंगे, इच विलस, सो इट अगेन कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड अगेन द सेल विल बियर द माइक्रोविली। मैं को बताओ इसमें कौन सा एपिथेलियम है, यह हो गया आपका माइक्रोविली हो गया, दिस टू आर द विली, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द म्यूकोजा, ओके। द सेल एनसीटी क्या बोल रहा है, द सेल्स लाइनिंग द विली, तो यहां पे जो सेल्स है, द सेल्स विल बियर लाइक दिस, अगेन माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, यस, दीज आर नथिंग बट सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, दीज आर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ओके। तो अभी हो गया, डी हो गया, ये हो गया तुम्हारा, आपका हो गया, दीज आर माइक्रोविली, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, टोटली इसको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, बोलते हैं एक ब्रश की बॉर्डर की तरह, जो ब्रश हम करते हैं, इट इज कॉल्ड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, समझ में। तो ये है आपका,
तो यही बात है यहाँ पे जो मैं बोला वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, हम ईच एंड एवरी लाइन फाउंड इन एनसीईआरटी बुक का। ओके, सो दिस मॉडिफिकेशन देखो, तुमने बच्चा लोग ये सब ऑलरेडी तुमने सब पढ़ चुका है, ठीक। हम ये रिविजन कर रहे हैं, जितना हम रिविजन करेंगे तुम्हारा इतना एफिशियंसी बढ़ता है। तो विलीज आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज वेसल्स कॉल्ड लैक्टिया। एक एनसीईआरटी का एक डायग्राम है तुम्हारा, इसको थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ। देखो ये डायग्राम भी तुम्हारा नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। नीट का जो एवरी डायग्राम होता है, सॉरी एनसीईआरटी का जो भी डायग्राम है उसको थोड़ा देख लेना, बिकॉज एवरी डायग्राम सर इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये जो येल्लो कलर का अंदर में है, ये आपका है लैक्टियल, लैक्टियल इट इज द लिम्फ कैपिलरीज, यहाँ पे लिम्फ फ्लो होता है। It is for the absorption of fat. उसके बाद क्या है हमारे पास? We have the blood capillaries. देखो, मतलब around the lymph we have the blood capillaries. Around the lymph we have blood capillaries सब है. So these are the blood capillaries. Blood capillaries. तो lacteal, lacteal, around the lacteal we have the capillaries. Blood capillaries. तो इसमें आपका arteries भी है. The red color आता है arteries. जो red color है, ये आपका हो गया arteries and the capillaries. ठीक, उसके बाद आपका ये वाला आपका जो ब्लू कलर का है, ये हो गया आपका वेन्स, दीज आर द वेन्स। ओके, नाउ बिटवीन द टू बेसिस, देखो ये दो विलाई हो गए, दीज आर द टू विलाई। तो दो विलाई के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्रिप्स बोलते हैं, इट इज द इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, इट इज आल्सो कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लिवर कून भी इसको बोलते हैं। इट इज द नथिंग बट इंटेस्टिनल ग्लैंड्स और क्रिप्स ऑफ लिवर कून, क्रिप्स द स्पेस बिटवीन बेसिस ऑफ द टू विलाई, दीज आर द टू विलाई। तुम्हारा ये एक तुम्हारा क्या विली है, ये एक तुम्हारा विली है, दोनों विली के बीच वाला स्पेस, ये स्पेस, ठीक, इट इज कॉल्ड क्रिप्स ऑफ लिवर कून और योर इंटेस्टिनल ग्लैंड, क्रिप्स। तो एनसीईआरटी का थोड़ा देख लेना, देख एनसीईआरटी में कैसा पूछेगा, इसको लिख देगा, ये हो गया आपका ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया आपका एफ। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई, मैं लिख दिया तो ये पूछेगा तुम्हारा क्या क्वेश्चन, तुम्हारा कैसे आएगा डायग्राम से। यू हैव टू आइडेंटिफाई ए इसमें क्या है, ठीक, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है एंड एफ क्या है। ये बहुत इजी है, लेकिन इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द डायग्राम तो तुम उसमें गड़बड़ आ जाओगे, देख लेना। तो ए तुम्हारा हो गया विली, बी हो गया लैक्टियल, सी हो गया कैपिलरीज, डी हो गया आपका आर्टरीज, ई हो गया क्रिप्स एंड वेन। इसको इधर उधर भी कर सकता है, मैं जब समझाने के तुमको ऐसा बताया। तो ये जो डायग्राम है आपका नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक। तो ये म्यूकोजा के बारे में बताया गया है। और एक पॉइंट है हमारा, कुछ देयर आर सम अदर पॉइंट्स हियर, देयर आर सम अदर पॉइंट्स हियर। ओके, म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गोब्लेट सेल्स व्हिच सीक्रेट म्यूकस that helps in lubrication. ठीक, discuss हम करेंगे। Mucosa also form glands in the stomach, that is the gastric glands, crypts in between the bases of villi called crypts of liver cone, the four layer का। All the four layers show modifications in different parts of the alimentary canal. ये जितने भी layers हैं तुम्हारा, इनमें कुछ ना कुछ modifications आता है। जैसे कि तुम्हारे esophagus में serosa नहीं है, stomach में another layer of muscle is there. तो ये जो layers हैं, there you will find some modifications. Sejal Khan, beta, welcome to the class. So all the four layers show modifications in different parts of the alimentary canal. Yes, hello, good morning. तो यही मैं तुमको बोल रहा था, ठीक। जैसे कि ये तुम्हारा हो गया क्या, ये microvilli तुम्हारा हो गया, ये आर द microvilli. ओके, इनके बीच में भी तुम्हारा क्या होता है, we have the goblet cells. यहां पे हमारा क्या होता है, नाउ वी आल्सो हैव गोब्लेट सेल्स,
between the epithelium, you also have goblet cells. We have the goblet cells. Goblet cell क्या करते हैं? They produce the mucus. मतलब ऐसा होता है जैसे suppose ये आपका epithelium हो गया, तो यहाँ पे goblet cell होगा. Epithelium, then goblet cells. तो goblet cell क्या करते हैं? They release the mucus. Goblet cell, they secrete mucus. ठीक. और तो बोला ही तुमको मैं, between the bases of two villi, उनका जो base में ये आपका gland हो गया, तो ये आपका gland हो गया, इसको हम बोलते हैं tips of liver को. ठीक. तो ये जो gland आपका हो गया, it is called crypts of liver cone. मतलब दो विली के बेस में, ये एक विलस, ये एक विलस, उनके बीच में ये हो गया crypts, crypts of liver cone. Crypts मतलब स्पेस. ओके. यही लेयर तुम्हारा क्या करता है, स्टोमक में भी दिस लेयर फॉर्म गैस्ट्रिक ग्लैंड. ये जो लेयर होता है, जैसे बता रहा हूं तुम्हारा, सपोज ये सपोज आपका स्टोमक हो गया. ठीक. सपोज ये आपका स्टोमक हो गया. तो इनर मोस्ट लेयर होगा, सपोज ये आपका इनर मोस्ट लेयर है. जो इनर मोस्ट लेयर होगा, इट विल फॉर्म अगेन ग्लैंड्स हियर. यहां पे ये तुम्हारा क्या करता है, ग्लैंड फॉर्मेशन करता है ये म्यूकोसा. ठीक. तो अगर ये आपका म्यूकोसा लेयर हो गया, इफ इट इज द म्यूकोसा लेयर, तो दीज आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. दीज आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. तो एनसीईआरटी का बेटा लोग एवरी पॉइंट को समझना है. ओके. तो यही तुम्हारा है म्यूकोसा लेयर के बारे में है एनसीईआरटी में है. ये वाला भी पॉइंट थोड़ा याद रख लेना, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. म्यूकोसा आल्सो फ्रॉम ग्लैंड्स इन द स्टोमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई इन द इंटेस्टाइन. तो काइल इज रिच इन, तो बेसिकली तुम्हारा एक होता है काइम, एक होता है आपका काइल. ठीक. जो काइम होता है दैट इज द एसिडिक सेमी सॉलिड इन द स्टोमक. काइल जो तुम्हारा होता है, ये तुम्हारा पेल येलो कलर का होता है, इसमें तुम्हारा फैटी सब्सटेंस रहता है काइल. मतलब यू कैन से दैट द फ्लूइड इनसाइड द लैक्टियल्स, जो लैक्टियल जो कैपिलरीज है तुम्हारा, लिम्फ कैपिलरीज, उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको हम बोल सकते हैं काइल. बट स्टोमक के अंदर जो है तुम्हारा सेमी सॉलिड जो है आपका एसिडिक फूड, उसको हम काइम बोलते हैं. तो काइम एंड काइल थोड़ा देखना. ओके. तो ये हो गया आपका इसके बारे में. तो ये हो गया आपका हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारा फिनिश हो गया. अगर कुछ डाउट है तो इससे पूछो, जस्ट एक बार देख लो. बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस हमने यहाँ पे किया है. ठीक. जैसे कि तुम्हारा, ठीक, यहाँ पे है आपके लिए, तो जो कुछ सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो प्लस का सब्सक्रिप्शन, ठीक, इट्स अप टू यू. तो अगर आप यहाँ पे ये जो कोड दोगे तुम, ये वाला कोड, सो यू विल गेट 10% ऑफ. हमारा पॉलिसी है, वी हैव टू प्रमोट द अनअकैडमी आल्सो. ठीक. इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन, तो ये कोड दोगे तो यू विल गेट द 10% ऑफ इन द प्लस सब्सक्रिप्शन. तो ये हो गया. अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं जाऊंगा नेक्स्ट हमारे ग्लैंड पार्ट में जाऊंगा. हाँ, ये तो हम डिस्कस करेंगे. ऑक्सिटिक नहीं है तुम्हारा, ऑक्सिटिक सेल्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट. चलो, देन आ जाओ तुम्हारा उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक. तो एनसीईआरटी में है आपका इसके बारे में डाइजेस्टिव ग्लैंड. एनसीईआरटी में क्या मेंशन तुम्हारा है, देखो, the digestive glands associated with the alimentary canal are salivary glands, the liver and the pancreas. देखो, stomach के अंदर gastric gland है, that is formed by the mucosa.
इंटेस्टाइन के अंदर है, इंटेस्टाइन का दैट इज फॉर्म बाय द म्यूकोजा, तो उसमें ये लिखा नहीं है, थोड़ा ध्यान देना इसमें, ठीक। यहाँ पे ओनली मेंशन तुम्हारा है सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में मेंशन है, तो लीवर के बारे में पैनक्रियास, तो वी कैन से दैट दीज आर द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियास। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके यस, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड तुम्हारा है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द म्यूकोजा लेयर ओनली, ओके। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पहले आ जाओ हमारा सेलिवरी ग्लैंड के बारे में, ओके। तो सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय थ्री पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, ठीक, द पैरोटिड्स, उसको चिक, चिक मतलब ये हमारा चिक रीजन में है, जस्ट एट द बेस ऑफ द ईयर, कान के नीचे आपका है पैरोटिड ग्लैंड, चिक इसलिए लिखा गया है। देन सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर लोअर जॉ, मतलब एट द एंगल ऑफ द लोअर जॉ, यहाँ पे होता है आपका सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर, एंड सबलिंगुअल्स मतलब बिलो द टंग, टंग के नीचे होता है सबलिंगुअल्स, ओके। मेन पॉइंट यही आपका है, दिस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी एंड सीक्रेट सैलिवरी जूस इनटू द बकल कैविटी, याद रखना, जो तुम्हारा ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड है, दे आर प्रेजेंट, दे आर नॉट इनसाइड आवर बकल कैविटी, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ सराउंडिंग एरिया ऑफ द बकल कैविटी, बट दे सीक्रेट देयर सीक्रेशन इनटू द बकल कैविटी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो है, थोड़ा समझा दे रहा हूं आपको, देखो, तो लेट मी एक्सप्लेन यहां पे, देखो अगर हम सलिवरी ग्लैंड की बात करते हैं, समझाने के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक। ये सपोज आपका हो गया बकल कैविटी, और समझाने के लिए स्टोमक का पीएच वैल्यू कितना होता है, उसका होता है आपका एसिडिक होता है ना तुम्हारा, एनसीएट में तो 1.8 दिया गया है, उसका रेंज तुम्हारा वेरी करेगा बिटवीन 2 to 3, और आइडियल उसका होता है 1.8 पीएच, 1.8 उसका पीएच होगा स्टोमक का गैस्ट्रिक जूस का 1.8, हाईली एसिडिक, ठीक। तो यहां पे सपोज का, ठीक, अगर हम सेलिवरी ग्लैंड का बात हम करेंगे, सेलिवरी ग्लैंड का तो लार्जेस्ट जो होता है, दैट इज योर लार्जेस्ट, व्हिच इज द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, बताओ व्हिच इज द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, कौन सा लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड है, व्हिच इज द लार्जेस्ट पैरोटिड, यस पैरोटिड, तो हमारा पैरोटिड होता है, दैट इज द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, मतलब चीक में, इस एरिया में आपका है पैरोटिड, द लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड पैरोटिड, पैरोटिड, ठीक। इसका जो डक्ट है, ओके पैरोटिड, इसका डक्ट को क्या बोलते हैं बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड स्टेंसन्स डक्ट, इसका डक्ट को हम बोलते हैं स्टेंसन्स, डक्ट इज कॉल्ड स्टेंसन्स डक्ट, याद है, ठीक। हाँ, तो ये कहां पे ओपन होता है, एनीवन रिप्लाई, ये कहां पे ओपन होता है, इसका जो ओपनिंग तुम्हारा ऑलमोस्ट अबाउट अपर सेकेंड मोलर, सलाइवा स्लाइटली एसिडिक होता है, सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक विथ पीएच 6.8। कार्तिकेय ने पूछा है, कार्तिकेय येला ने पूछा है, यस, सो कार्तिकेय द, यस, मतलब जस्ट नियर द अपर सेकेंड मोलर यू विल फाइंड द ओपनिंग ऑफ स्टेंसन्स डक्ट, सो यू रिमेंबर द डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड स्टेंसन्स डक्ट, ओके। समटाइम्स व्हाट हैपन, द पैरोटिड ग्लैंड गेट्स सम वायरल इंफेक्शन, दैट इज कॉल्ड मम्स, that is called mumps, mostly due to paramyxovirus, mostly due to paramyxovirus, paramyxovirus,
remember? Yes. The viral infection of parotid is called mumps due to paramyxoid virus. It is the largest salivary gland. It nearly contributes about only 20% of salivary secretion. You remember this point. Daily, nearly we have about 1 to 1.5 liter of saliva. Daily, nearly we secrete about 1 to 1.5 liter of saliva. Only 20% is contributed by parotid gland. All clear? So it is all about the parotid gland, largest salivary gland. Okay. Then, it is present, this is your buccal cavity. Okay. Now, just below the tongue, here we have sublingual salivary gland. Here, it has small ducts which opens into the buccal cavity. Okay. So just below the tongue, if it is the tongue, so just below the tongue, we have the sublingual gland. Yes. Sublingual salivary gland. It is many small duct. Small duct. These ducts are called as duct of Rivenus. Duct of Rivenus or sublingual duct, yaad rakhna, also called as Bartholin duct. Because sometimes what happens, many times you will find questions related to the duct of the salivary glands. मतलब पेरोटिड का डॉट क्या होता है, स्टेंशंस का, पेरोटिड का क्या है, ठीक, स्टेंशंस. सबलिंगुअल का क्या हो गया, डक्ट ऑफ रिवेनस, डक्ट ऑफ रिवेनस, डक्ट ऑफ रिवेनस, ओके, और डक्ट ऑफ रिवेनस आल्सो कॉल्ड बार्थोलिन डक्ट, आल्सो कॉल्ड सबलिंगुअल डक्ट. ओके, सो इट इज ओके. So next, okay. So इसको हम बोल सकते हैं that ये आपका हो गया smallest, ये हो गया smallest salivary gland, ये हो गया largest salivary gland. In between two you have the medium size gland. मतलब at the angle of the saliva contents enzyme, yes, saliva contents salivary amylase or tylin enzyme. Okay, we'll discuss saliva contents. Salivary amylase or tylin enzyme. Okay. Now just here at this point, यहाँ पे at the angle of the jaw, ये हमारा jaw है, तो here you will find the medium size gland. Okay. Here you will find the medium size gland. एक मिनट. Okay. At this point. So at this point you will find some medium size gland. Uska jo duct hota hai, that duct will open into near central upper lower incisor. So in this part. Okay. So this gland is called your submaxillary. It is called submaxillary or submandibular salivary gland, submaxillary. It has the duct. It ducts is called Watton's duct. Yes, very good. It ducts is called Watton's duct. Okay, Watton duct. It opens near the lower central incisor. Okay. Yes, Pritam, hi, good morning. Okay. Zareen Fatima, good morning. Okay. Samajh mein aaya? So submaxillary, its duct is called Watton's duct. It opens near the lower central. Yes, good afternoon. Okay. Incision. So ye aapka ho gaya. So it is all about. Okay. Sometimes the question tumhara aata hai, which of the gland produce secret more toward the salivary gland? Kaun sa? Submaxillary
sublingual and parotid, okay, which contributes more toward the secretion of saliva. Yes, submaxillary. Okay, submaxillary will secretes nearly about, okay, nearly about 70%. 70% of saliva is produced by submaxillary or submandibular. Okay, so parotid हो गया आपका nearly 20%. तो आप कितना तुम्हारा रहेगा 70-20 और नियरली 10% इज प्रोड्यूस्ड बाय सबलिंगुअल. ओके, तो ये थोड़ा याद रखना. आउट ऑफ टोटल सेलिवरी सिक्रेशन सबमैक्सिलरी सिक्रेट 70%, पेरोटिड प्रोड्यूसेस 20% एंड सबलिंगुअल नियरली अबाउट 10%. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट पेरोटिड ग्लैंड. एंड मैंने तुमको बोला पेरोटिड ग्लैंड जो है आपका मम्स, उसका जो वायरल इंफेक्शन है मम्स कॉज बाय पैरामीजो वायरस. ओके, सो नाउ सिक्रेशंस ऑफ ऑल दीज ग्लैंड्स, सिक्रेशंस ऑफ ऑल दीज ग्लैंड्स आर टुगेदरली कॉल्ड एज सलाइवा, टुगेदरली कॉल्ड एज द सलाइवा. ठीक, सलाइवा. अगर सलाइवा का हम पीएच बात करें, पीएच ऑफ द सलाइवा, it is slightly, what is the pH of the saliva? It is slightly acidic. Yes, it is slightly acidic, that is about 6.8. slightly acidic pH 6.8. okay, to saliva mein agar hum dekhe kya kya, to daily per day nearly we secrete about 1 to 1.5 liter of saliva. okay, to isme kya kya hota hai saliva mein, isme it is rich in the electrolytes. It is rich in electrolytes. It contains sodium, potassium, chloride, and bicarbonate. Okay. Okay. Welcome to the class, Abhishek Zena. Welcome to the class. Okay. So, ये हो गया आपका electrolytes हो गया. इट ऑल्सो कॉन्टेंट्स एंटीबैक्टेरियल एंजाइम्स. इसमें क्या होता है आपका, वी हैव द लाइसो, वी हैव द लाइसोजाइम. ओके, इट इज द एंटीबैक्टेरियल इन नेचर, एंटीबैक्टेरियल. ओके, इट ऑल्सो कॉन्टेंट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर सलाइवा में तुम्हारा, और भी बहुत सारे तुम्हारा है, बहुत सारी चीजें हैं. एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा है, अगर तुम पढ़ोगे एनसीईआरटी बुक में तो इट कॉन्टेंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, इसमें आपका है थियोसियनेट आयंस आर देयर, इट आल्सो कॉन्टेंट थियोसियनेट आयंस. ठीक, इट आल्सो कॉन्टेंट्स आईजीए भी इसमें आपका होता है. तो बहुत सारी चीजें आपका है. यस उदय चौधरी, गुड आफ्टरनून. सो इट इज ऑल अबाउट द सलाइवा. अगर हम डेली सिक्रेशन की बात करें, डेली पर डे वी आर रिलीजिंग अबाउट 1 to 1.5 लीटर पर डे वी आर रिलीजिंग द सलाइवा. ओके, तो यही है सलाइवा के बारे में. तो इट इज ऑल अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड्स. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, देन कम टू अबाउट द लिवर के बारे में. लिवर, लिवर भी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. यस स्वप्नदीप मोहंती, यू आर इन द लंडन, वेल डन. मींस फ्रॉम लंडन यू अटेंडिंग द क्लास, मींस आप लंडन में क्या मेडिकल पढ़ रहे हो कि मेडिकल का कोचिंग चल रहा है? मतलब व्हाट मेरे लिए पता नहीं, व्हाट आई एम नॉट गेटिंग. स्वप्नदीप महंती बोल रहा है कि सर मैं लंदन में हूं आपके लिए. ओके, लिवर तुम्हारा नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक, आ सकते हैं. तुम क्या करो, मेरा ये वाला ज्वाइन करो, मेरा इसमें बात करेंगे. यू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो,
देयर वी डिस्कस टाइम हो गया. सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वेइंग अबाउट 1.2 टू 1.5 केजी. इसको याद रखो डाटा थोड़ा, ठीक. लार्जेस्ट ऑर्गन है उसका जो वेट है आपका 1.2 टू 1.5 केजी. ये कहां पे है? प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डाइजेस्ट. देखो क्वेश्चन तुम्हारा कैसे आएगा, क्वेश्चन तुम्हारा कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स अबाउट लिवर. इसको अगर हम क्वेश्चन बना देते हैं, ये तुम्हारा ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. इसको मैं तुम्हारे क्वेश्चन बना देता हूं. एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स अबाउट द लिवर. तो इसमें से कुछ मैं क्या कर दूंगा, चेंज चेंज कर दूंगा. जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं कर दूंगा इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट, इसको मैं निकाल देता हूं, इसको मैं अबव कर देता हूं, सपोज अबव, ठीक, अबव मैंने इसको कर दिया. तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द लिवर. तो तुम जब पढ़ोगे तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन. तो ये तुम्हारा गलत आंसर हो गया. तो नीट में ऐसा ही पूछता है, कुछ नहीं. तो तुमको एनसीईआरटी का हर एक लाइन तुमको पढ़ना है. तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लिवर से स्टार्ट करेंगे. तो आपने सलाइवरी ग्लैंड तक पढ़ा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लिवर से एनसीईआरटी का हर एक लाइन पढ़ के समझेंगे उसको क्या बोला. ठीक,